नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग के 3 महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के इस वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, जो SCS जो मैडम है चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रा सिंह ने विभाग की लगातार जो है मीटिंग पे मीटिंग बुलाए जा रहे हैं और मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसला ले रहे हैं इन भर्तियों को लेकर के। काफ़ी बड़ा फैसला इन भर्तियों को लेकर के लिया जा रहा है और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगस्त माह के 31 अगस्त से पहले पहले ये भर्तियाँ जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्य को देखते हुए ये सभी जो भर्तियाँ हैं वो पूर्ण होने के चांसेज बनते हैं। और अब डेट बढ़ना भी दोस्तों मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ऐसा अपडेट आया है चिकित्सा विभाग का, उसको लेकर के अब डेट बढ़ना भी मुश्किल हो गया है। और इसी के अलावा काफ़ी सवाल जवाब है NM बहनों के भी कि सर हमारे प्रिंट आउट नहीं निकल रहे हैं, तो काफ़ी जो सवाल जवाब है उन सभी को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को पूरा करने को लेकर के अब सख्ती दिखाने लगा है, सख्त से सख्त जो है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं और मीटिंगें ली जा रही है। सबसे पहला अपडेट आप देख सकते हो, 172 दंत चिकित्सकों की जल्द होगी भर्ती। दैनिक नवज्योति ब्यूरो, प्रदेश में जल्द ही 172 दंत चिकित्सकों की भर्ती होगी। इसके लिए RUHS को अभ्यर्थना भिजवाई गई है। चिकित्सा विभाग की SCS सुप्रा सिंह, ये आप देख सकते हो, SCS सुप्रा सिंह ने गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। तो दोस्तों 172 पदों की जो है दंत चिकित्सकों की भर्ती अब जो है जल्द होने वाली है। उन्होंने बताया कि अराजपति संवर्ग की भर्तियों को भी अगस्त माह के अंत तक पूर्ण किया जाएगा। वर्ष 2023-24 की DPC के लिए यथाशीघ्र कैलेंडर जारी कर जुलाई माह तक वरिष्ठता सूचियां बनाने, 15 अगस्त तक पदोन्नति की कार्रवाई कर लेने, डेपर तथा रिव्यू DPC का कार्य पूर्ण करने के भी इन्होंने निर्देश दिए। दोस्तों अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रा जो सिंह है, जो मैडम है अतिरिक्त मुख्य सचिव, उन्होंने बैठक में कहा है कि जल्द से जल्द इन जो है भर्तियों को पूरा किया जाए। इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि 9 जून तक ज्वाइनिंग नहीं तो दूसरों को मौका दिया जाएगा। अगर 9 जून तक आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो दूसरे जो अभ्यर्थी है उनको मौका दिया जाएगा। प्रदेश में हाल ही में 1765 डॉक्टरों की भर्ती में चयन हुए 41 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक MO के पदों पर ज्वाइनिंग नहीं की है। ऐसे डॉक्टरों को 9 जून तक ज्वाइनिंग का अंतिम मौका दिया गया है। ज्वाइनिंग नहीं करने पर इनकी जगह प्रतीक्षा सूची में से मेरिट के आधार पर चयन पदों को भरा जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो प्रतीक्षा सूची है वो वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और उसके आधार पर जो है अभी का जो है चयन किया जाएगा। तो 9 जून तक का इनको मौका दिया गया है SCS मैडम के द्वारा। इसी को लेकर के दूसरा जो बड़ा अपडेट है आप देख सकते हो दोस्तों, ये चिकित्सा विभाग का 112 नंबर का जो है आदेश निकाला गया है, 1/6/2023 आज ही का अपडेट है। और ये मीटिंग को लेकर के इन्होंने कहा है कि अब शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोले जाएंगे अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। अब जो है 3 और 4 तारीख को शनिवार और रविवार को जो है ऑफिस खोले जाएंगे। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब इस शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खोले जा रहे हैं तो डेट बढ़ना मुश्किल है। अब डेट बढ़ना काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। आप अपना जो है समय रहते अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दे, अब डेट बढ़ना मुश्किल है। ये देखिए आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि उक्त भर्ती में संबंधित प्रकरणों एवं अन्य लंबित मामलों पर चर्चा हेतु माध्यम से दिनांक 2/6/2023 को 4:30 बजे राज्य स्तर से NHM मुख्यालय स्थित RSDP हॉल ही में एक VC आयोजित की जाएगी। सख्त वीडियो कॉन्फ्रेंस, राज्य जिला ब्लॉक से निम्न अधिकारियों को उपस्थित किया जाएगा। एक बड़ी मीटिंग के आधार पर आप देख सकते हो, ये जो है सभी अधिकारी लोग उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी है और ये राज्य स्तरीय अधिकारी है, ये सब उपलब्ध रहेंगे और इसी के आधार पर जो एक VC मीटिंग की जा रही है। और शनिवार और रविवार को भी जो है अब आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसी को लेकर के तीसरा जो बड़ा अपडेट है आप देख सकते हो,
ये देखिए दोस्तों, चिकित्सा विभाग का ये तीसरा बड़ा अपडेट है और इसमें जो है नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर के जो है कोर्ट का जो फैसला आया है, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा SBC सिविल रिट पिटीशन में जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी बनाम सरकार का जो है ये कोर्ट केस था और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के न्यायालय ने कहा कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए और प्रोविजनल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी कारण से आपके द्वारा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, तो दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को जो है अनुभव प्रमाण पत्र बना करके दिया जाए। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, अब सख्त जो है SCS जो मैडम है उनके द्वारा सख्त मीटिंग बुलाई जा रही है और लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य और जिला स्तर के आधार पर मीटिंग बुलाई जा रही है और शनिवार और रविवार को जो है ऑफिस खुलवाए जा रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर के। अब चिकित्सा विभाग ने भर्तियों को पूरा करने को लेकर के जो है काफ़ी सख्ती दिखाई है, इसी को लेकर के अपडेट बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा दोस्तों। और अपना फॉर्म समय रहते भर दे, ऐसा ना सोचे कि लास्ट डेट तक मौका मिलेगा, जितना हो सके उतना आप पहले ही अपना जो है फॉर्म भर करके तैयार रहे। अनुभव प्रमाण पत्र किसी का नहीं बनाए, NM बने LT RT जो भी है वो जो है अनुभव प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा ले नए फॉर्मेट में। अब जो है चिकित्सा विभाग सख्त जो है सख्ती दिखा रहा है जिससे कि आपको जो है समय रहते सभी जो है अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। और डेट बढ़ना मुश्किल है, डेट बढ़ने को लेकर के आप ऐसा ना सोचे कि किसी चैनल वाले ने ये कह दिया कि डेट बढ़ेगी, बिल्कुल भी ना सोचे, आप अपने स्तर के आधार पर सोचे कि फॉर्म भरना ही है तो भर दे, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो भी फॉर्म भर दे। अगर आपको मौका, क्या पता आगे मौका और दिया जाए कि जैसे आपको जो ये करेक्शन के लिए जो मौका दिया जाता है उस समय आपका कुछ ऐड किया जा सके ये जो प्रमाण पत्र है अनुभव का, तो अपना फॉर्म आप अवश्य भरे, डेट एक्सटेंड के चक्कर में ना रहे, अन्यथा आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि चिकित्सा विभाग जो है अब सख्त हो चुका है। इसी को लेकर के आपको बताना चाहेंगे, NM बहने बोल रहे हैं कि प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो उनको बताना चाहेंगे अगर फॉर्म भरते समय आपका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तो कुछ समय बाद आप दोबारा कोशिश करें, प्रिंट आउट जरूर निकल जाएगा, कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट थे चिकित्सा विभाग के भर्तियों को लेकर के। और अगर दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्तियों की जो है समय रहते डेट नहीं बढ़ेगी और समय रहते सभी कार्य होंगे तो जो है आपके 31 अगस्त से पहले पहले ये जो भर्तियां है पूरी होने के चांसेज बनते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी समय आपके पास अच्छा है। और अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये भर्तियां पूरी होगी, मगर मेरा मानना यही है कि समय पर सभी कार्य होंगे। जब से ये चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जो सुप्रा सिंह है इन्होंने जो है मीटिंग पर मीटिंग बुलाई है और सभी जो भर्तियां है समय पर करने का इनको आदेश दिया गया है, तो अब देखते हैं दोस्तों चिकित्सा विभाग की जो है लगातार सुप्रा सिंह के द्वारा जो है काफ़ी मीटिंगें बुलाई जा रही है और बड़ा ही अच्छा फैसला है इनके द्वारा और चिकित्सा विभाग में बड़ी खलबली मच गई है। और अब देखते हैं क्या कुछ आगे प्रोसेस रहेगा, जैसे ही चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई अपडेट होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर ले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और WhatsApp ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और फार्मासिस्ट की कटऑफ को लेकर के हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।